कुछ दिन पहले 3 हत्या के आरोपी थे फरार, पुलिस ने किया उनको गिरफ्तार। तुर्बे MID से स्थित एक कबाड़ की दुकान में हुए 13 हत्याकांड के दोनों आरोपी सेबू हनीफ खान 25 वर्ष तथा शेरू हनीफ खान 24 वर्ष को 7 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी सगे भाई है और जिला इलाहाबाद के निवासी है। दोनों आरोपियों पर तुर्बे MIDC पुलिस स्टेशन की में IPC की धारा 302, 397, 450 और 34 सहित भारतीय हथियार कानून की धारा 4, 25 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद फरार हुए दोनों आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश के सतना से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को 12 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह के बीच में अंजाम दिया गया था। यह 13 हत्याकांड तुर्बे MIDC के बोनसरी गांव स्थित प्लॉट क्रमांक D19 में किया गया था। मृतकों में राजेश कुमार देव नारायण पाल 30 वर्षीय, इरशाद खान 20 वर्षीय तथा नौशाद खान 19 शामिल है। इरशाद और नौशाद दोनों सगे भाई थे। यह तीनों मजदूर हत्या से एक दिन पहले ही जॉब पर लगे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पहले इसी कबाड़ की दुकान में नौकरी करते थे और कुछ समय पहले किसी विवाद के कारण नौकरी छोड़कर चले गए थे। हत्याकांड के दिन दोनों भाई बोनसरी गांव स्थित उक्त कबाड़ की दुकान में आए थे। इसी दौरान तीनों मृतकों और दोनों आरोपियों के किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद सेबू खान और शेरू खान ने तीनों की हत्या कर दी और वहां अलमारी में रखे 2,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। यहां पे इसके पहले 3 महीने पहले यहां पे काम करते थे और जो ये सहकारी जो थे, इनके जो मृत थे, इनके साथ काम करते थे और उनका गाली गलौज और मार झाड़ करते थे उनसे, उनका उनके ऊपर ये गुस्सा।